आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या की बना में इफ एवरी नॉन डायगनल एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए इज जीरो ठीक है तो जो नॉन डायगनल एलिमेंट है मैट्रिक्स ए के वो सारे के सारे जीरो के इक्वल है एंड एवरी डायगनल एलिमेंट इज इक्वल और जो डायगनल एलिमेंट है मैट्रिक्स ए के वो सब इक्वल है मेरे देन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अगर एक ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो होता है टू क्रॉस टू का होगा या थ्री क्रॉस थ्री का होगा या फोर क्रॉस फोर का होगा एंड सो वन सो हम लेके चलते हैं थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स जिसमें तीन रो होंगे इन तीन कॉलम होगा ठीक है ये अपने स्क्वायर मैट्रिक्स है अब देखो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं डायगोनल एलिमेंट होते हैं मेरे यहाँ पर आएगा ये वाला ये वाला और ये वाला ये तीन डायगोनल एलिमेंट है तो बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो वो तो जीरो के इक्वल है मेरे जो बाकी नॉन डाइगनल एलिमेंट है जैसे कि क्वेश्चन बताया गया है जो नॉन डैगनल एलिमेंट है वो जीरो है और जो डाइगनल एलिमेंट है वो आपस में इक्वल है तो ये तीनों एलिमेंट इक्वल होंगे समझो कुछ भी हो सकते हैं वन 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 भी हो सकते हैं या फिर टू टू टू, टू, टू थ्री 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 भी हो सकते हैं तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है जिसके सारे नॉन डाइगनल एलिमेंट जीरो होते हैं और डाइगनल एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है अब इसने बोलो सारे डेंगे एलमेंट इक्वल है तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है थ्री फोर फाइव सबका सब इक्वल सब कुछ भी नंबर हो सकता है मेरा ठीक है तो अगर कोई कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी नंबर हो यहाँ पर हम उसको बाहर कॉमन ले, ले लेंगे तो तब भी वन 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 ही बचेगा अंदर मेरा ठीक है तो वो जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलेंगे हम ठीक है तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है चाहे आप किसी भी ऑर्डर का ले लो टू क्रॉस टू का ले लो फोर क्रॉस फोर का ले लो ठीक है अगर मैं यहाँ पर एक टू क्रॉस टू का लेकर दिखा देता हूँ देखो टू क्रॉस टू में ये दो होंगे डायगोनल एलिमेंट मेरे तो ये तो जीरो जीरो है समझो मैंने ले लिया आप थ्री एंड थ्री ये एलिमेंट ले लिया क्योंकि दोनों इक्वल है ना सो so, क्या करते हैं फर्स्ट रो से भी सेकंड रो से भी थ्री कॉमन ले, ले लेते हैं अपना तो so, यहाँ पर देखो थ्री बार आ जाएगा ना तो so, ये आएगा थ्री जीरो अंदर बचेगा कितना ये बचेगा वन जीरो जीरो वन ठीक है अगर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे पूरे मैट्रिक्स को तो फिर से ये बन जाएगा तो यानी ये क्या बन गया मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स भी अपना ये बन गया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है